बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अलकलम कोचिंग सेंटर की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी, और खुश आमदीद कहता हूं आप लोगों को एग्ज़ाम सीरीज़ की इस एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक नया सिलसिला शुरू किया जिसको मैंने नाम दिया एग्ज़ाम सीरीज़ का, और जिसकी आज की ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन के अंदर मैं अपनी पहली वीडियो का लिंक डाल दूँगा, तो आपने उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हम कम वक्त के अंदर अपने सिलेबस को शॉर्ट लिस्ट करके किस तरह से कर सकते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियोस के अंदर मैं कुछ बात करूंगा उन प्रॉब्लम्स की जो हर स्टूडेंट्स के साथ पेश आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के भी, ताकि हम स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकें। जब हम स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, तो तभी हम एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए पढ़ना भी अच्छे तरीके से ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे उन चार बैड हैबिट्स कह लें, उन चार प्रॉब्लम्स को कह लें, जो तकरीबन हर स्टूडेंट्स का मसला है, और मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, इवन जब मैं खुद भी स्टूडेंट था मुझे भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वी कॉन्ट स्टार्ट स्टडी। हम स्टडी करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें उसकी अहमियत का भी अंदाज़ है, लेकिन हम शुरू ही नहीं कर पाते। वी कॉन्ट स्टार्ट स्टडी। हम अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स तब भी ले सकते हैं जब हम रेगुलर पढ़ेंगे, लेकिन हम शुरू ही नहीं कर पाते। जब शुरू ही नहीं कर पाते तो देन हाउ वी विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। ये एक प्रॉब्लम भी है, बैड हैबिट भी है। तो इसका सलूशन ये है, आप अगर पढ़ नहीं पा रहे, आप लोग अपना एक पूरे दिन के अंदर अपना एक टाइम फिक्स कर लें, और उस टाइम के ऊपर आप लोग अपनी बुक्स लेकर बैठ जाएं, पूरी दुनिया के से कट कर बैठ जाएं। आप लोगों ने बेशक आंधी आए, तूफान आए, लाइट गई हो, मोमबत्ती जला ले, कैंडल लाइट के अंदर पढ़ें, टॉर्च लाइट यूज़ कर ले, आप लोगों ने उस टाइम के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ना है। बेशक आप लोगों ने उसके लिए सुबह का टाइम फिक्स कर लें, रात का टाइम फिक्स कर लें, दिन का टाइम, जो भी आप लोगों का अपना आसानी आपको आसानी लगती है, आप वो टाइम फिक्स करें, और उस टाइम के अंदर आप लोगों ने रेगुलर पढ़ने बैठ जाना। एग्जांपल इससे होगा क्या, आप लोग जब आपने मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने शाम 6 बजे का टाइम फिक्स किया, और आप लोगों ने डेली अब 6 बजे बैठना, पहले दिन आप लोग जब बैठेंगे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने में आएगी, क्योंकि आप लोगों का आदि नहीं होंगे पढ़ने के, तो एक इनर्शिया क्रिएट हो जाता है जो रेजिस्ट करता है आपकी उस, आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, इनर्शिया जो उनसे होता है वो मुजाहमत करता है आप लोगों की हालत की तब्दीली के ख़िलाफ़। आप पढ़ना नहीं चाहते, आराम तलब थे, आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक परेशानी लाहक होगी, लेकिन जब आप पहले दिन पढ़ने बैठ जाएंगे अपने आप के ऊपर जबर करके, तो फिर आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन आपको थोड़ी सी और मुश्किल पेश आएगी, तीसरे दिन थोड़ी सी और मुश्किल पेश आएगी आपको बैठने के लिए, स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन तीसरे दिन आप लोग आसानी के साथ बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। चौथे दिन अगर आप पढ़ने के लिए नहीं भी बैठते तो फिर क्या होगा, आपका माइंड जो ऊंचा होता है वो आप लोगों को तंग करेगा, जैसे समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज़ ऐसे है जैसे आप भूल रहे हैं, आपका माइंड आप लोगों को बार बार एक पैगाम देगा कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में है जो मिस है। इसी तरह से अगर आप मुश्किल से, इस तरह से अगर आप मुश्किल के साथ अगर 7 दिन आप रेगुलर 1 वीक कह लें, अगर आप 7 दिन अपने ऊपर जबर करके आप मुसलसल एक टाइम के ऊपर एक ही वक्त में अपना स्टडी के लिए टाइम सेट कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप किसी तरह जगह के ऊपर गए हुए हों, गेस्ट हों, जब आपका स्टडी का टाइम होगा आपका माइंड आपको ये एक पैगाम ज़रूर देगा, अब आपका टाइम है स्टडी का, तो आप स्टडी करें, तो आप लोग उस वक्त तक आपकी रूह को चैन नहीं मिलेगा जब तक आप पढ़ ना ले। तो सबसे पहले जो उनसे आपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम तब भी कर सकते हैं जब आप अपना एक टाइम फिक्स करेंगे, और आपने हर हाल में उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम है आपने उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना है, वो माइंड को ट्रेन ऐसे ही करेंगे आप, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, यानी आप उसी टाइम के ऊपर दोबारा उस पैटर्न को रिपीट करते चले जाएं। 4-5 डेज के अंदर जब आप रिपीट करेंगे तो वो आपकी हैबिट डिवेल्प हो जाएगी, तो आप कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू कर देंगे। जो दूसरा प्रॉब्लम है,
वो भी हर स्टूडेंट का कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर तक पढ़ते हैं तो फिर हम डिट्रैक हो जाते हैं, हम बोर फील करना शुरू हो जाते हैं, हमें जुमाई आने लग पड़ती है, हम किताब उधर रखते हैं, हम सोने लग जाते हैं, हमें नींदें आ जाती हैं, हम कंसंट्रेशन लूज़ कर जाते हैं, हम फीलिंग बोर्ड। ये हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता है, बेशक उसको कोई दिन में नींद आए ना आए, लेकिन पढ़ाई के वक्त वो किताब खोलेगा, 10 मिनट के बाद वो क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। तो जिसके बाद वो किताबें कहीं होती हैं, स्टूडेंट साहब कहीं होते हैं, किताबें भी कहीं चली जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप अपने जो आपने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, चाहे वो 2 घंटे है 3 घंटे है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपने किस तरह से डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और बायो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपने सबसे पहले माइंड को यही नहीं कहना कि मैंने 5 घंटे पढ़ने हैं। 5 घंटे पढ़ने के बाद आपके ऊपर पहले ही जोन सा हो जाएगा, आप लोगों का जोन सा माइंड हो जाएगा, वो पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा। 5 घंटे का नाम सुन के ना आप लोग परेशान हो जाएंगे और आप लोग जल्दी से बोर हो जाएंगे। आपने ये कहना है, आपने अपने माइंड के साथ ही, अपने कमिटमेंट के साथ ही अपना टाइम टेबल जो बनाना है उसके अंदर आपने इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है कि आपने सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ना है। आपने एक बुक को 45 मिनट्स पढ़ना और 45 मिनट्स के बाद आपने 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। यानी आप हर सब्जेक्ट को 45 मिनट्स देंगे, 45 मिनट्स के बाद आप 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे। अब जब आपका माइंड जोन सा होगा वो 45 मिनट्स, आप खुद भी ये सोचेंगे सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ने, 45 मिनट्स के बाद फिर 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक, उसके अंदर आप अपना सेल फोन यूज़ कर लें और अपना कोई भी एक्टिविटी कर लें। क्योंकि इंसान जोन सा है वो लालची होता है, जब उसको पता होता है हमें 45 मिनट के बाद कोई रिवार्ड मिलने वाला है और रिवार्ड आपको ब्रेक की सूरत में मिलने वाला है, तो आप लोग एग्जॉस्ट नहीं होंगे, आप बोर नहीं होंगे और आप ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है, जो तीसरा प्रॉब्लम एग्जाम्स के लिए, जब हमारे पास कम वक्त रह चुका हुआ होता है तो हमने पढ़ रहे होते हैं लेकिन जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं हमें वो भूलता चला जाता है। फॉरगेटिंग व्हाट यू लर्न, हम भूल जाते हैं जो कुछ हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं जो कुछ हम पढ़ते हैं। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट का। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग भूले ना तो इसके लिए एक आप छोटी सी टिप्स याद करें। छोटी सी टिप्स, आप लोगों ने इसको याद भी रखना है और आपने इसके ऊपर अमल भी करना है। आपने अगर आज किसी लेसन को याद किया, आज के दिन अगर आपने किसी लेसन को याद किया, तो आपने उस लेसन को दूसरे या तीसरे दिन आपने दोबारा वंस अगेन इसको रिवाइज करना है, गो थ्रू ज़रूर करना है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद आपने उस लेसन को रिवाइज करते रहना है। जैसे जैसे आपका वो लेसन दूसरे तीसरे दिन बाद आपका वो लेसन जब रिवाइज हो जाएगा, तो ऐट द एंड ऑफ मंथ कह लें या ऐट द एंड ऑफ वीक कह लें, तो आप लोगों को उस लेसन को फिर सिर्फ एक नज़र ही लगानी पड़ेगी, आप लोगों को वो लेसन भूलेगा नहीं। जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, फॉरगेटिंग व्हाट यू लर्न्ड, आप लोग जब भी जो भी कुछ याद करते हैं, अगर आप लोग वो चीज़ भूल रहे हैं, बार बार भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, तो आपने दूसरे तीसरे दिन आपने उसको रिवाइज करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मंडे को किसी लेसन को याद करते हैं तो आप लोग उसको मंडे ट्यूजडे वेनसडे को वंस अगेन रिवाइज करें, उसी लेसन को आप नया कोई ना याद करें, वेनसडे को अंदर आप लोग उसको रिवाइज करें, फिर थर्सडे फ्राइडे न्यू याद करें, सैटरडे को भी सैटरडे को रिवाइज कर लें वंस अगेन, तो उस पूरे वीक का जो लेसन होगा वो आपको कंटिन्यूसली याद रहेगा। आखिरी पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो भी हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, जब आप स्टडी कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग से बचें। जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा मल्टीटास्किंग का, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों को चाहिए तो सिर्फ स्टडी करें, डोंट यूज़ योर सेल फोन, डोंट यूज़ योर टेलीविजन, अवॉइड ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि अगर आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर चले जाते हैं, आप ग्रुप्स के अंदर बैठ के पढ़ने लग जाते हैं, तो आप क्या होता है, फिलहाल आप 10 मिनट स्टडी करते हैं तो बाकी 50 मिनट जोन से होते हैं आप बातें करने लग जाते हैं, स्टडी उधर की उधर ही रह जाती है। अगर आप लोग साथ टेलीविजन देख रहे हैं या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते, कि आप लोग जो याद कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, आपका माइंड उसको कबूल ही नहीं कर रहा होता कि आप लोग वो कर क्या रहे हैं। वो एट अ टाइम आपका माइंड इतने काम कर रहा होता है तो वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। तो आप लोग जब पढ़े तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग स्टडी करें, मोबाइल फ़ोन टेलीविज़न और ये ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं,
लेकिन जब आप पेपर एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उस वक्त आप लोग ग्रुप डिस्कशन से बचे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ एग्जाम सीरीज की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।